एयर इंडिया के दुबई से इंडिया तक का फ्लाइट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज्यादा मिक्स था। जैसे कि एयर इंडिया अब बिल्कुल भी डीले नहीं करता है, इसकी फ्लाइट टेक ऑफ बिल्कुल सही टाइम पे होती है, प्लेन पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जी हाँ यूएसबी पोर्ट नहीं चार्जिंग सॉकेट, और अगर आपको धूप ज्यादा लग रही है तो आपको शेड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोइंग पे फ्लाई कर रहे हो तो इसमें आप विंडोज को पूरा टेंट करके ब्लैक कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और जो डिसअपॉइंटमेंट था वो सिर्फ एक था कि इसका एंटरटेनमेंट जो सिस्टम है एक तो बहुत ढीला ढाला सा है, उसके बाद भी इस पे कंटेंट अवेलेबल नहीं होते। और बचपन में ट्रेन पे ट्रैवल करते वक्त जब झालमुड़ी वाले को देख के जो एक्साइटमेंट होती थी ना, अब फ्लाइट पे वही एक्साइटमेंट इस ट्रे को देख के होती है जब एयर होस्टेस खाना लेके आती है। हालांकि एयर इंडिया पे खाना तो बहुत बढ़िया मिलता है लेकिन ऑप्शंस भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं, और हाँ फ्री बेवरेजेस भी मिलते हैं। और बस देखते देखते खाते पीते सफर कट गया और मैं मुंबई पहुंच गया। वैसे एक चीज बता दूं, ये पूरा फ्लाइट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल फ्लाइट का था, और मुंबई लैंड करते ही सबसे पहले मेरे दर्शन हुए क्वीन ऑफ द स्काई के, बोइंग 747 के। और फ्लाइट पे सबसे आगे बैठने का कुछ तो फायदा हो, सबसे पहले एग्जिट तो करे बिना लाइन में लगे।